हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल सिंपल नॉलेज में आपका स्वागत है। खून की कमी क्या है और क्यों होती है? एनीमिया कब होता है? खून की कमी होने से कौन सी बीमारी हो सकती है? खून की कमी होने पर कौन से फल खाने चाहिए? क्या गुड़ खाने से खून की कमी दूर हो सकती है? खून की कमी होने पर कौन सी सब्जियाँ खानी चाहिए? खून की कमी होने पर कौन सा जूस पीना चाहिए? खून की कमी होने पर कौन सा ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए? कौन सी दाल खून की कमी को दूर करती है? खून की कमी होने पर रेड मीट क्यों खाते हैं? क्या तिल खाने से खून की कमी दूर होती है? ये थे शरीर में खून की कमी होने से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो चलिए जानते हैं शरीर में खून की कमी होने पर हमारे सेहत पर क्या असर पड़ता है और खून की कमी होने पर क्या करना चाहिए। सारे क्वेश्चन के आंसर हम आप लोगों के साथ ठीक से शेयर करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, खून की कमी क्या है और यह क्यों होती है? दरअसल उल्टा सीधा खान पान और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के चलते शरीर में खून की कमी होना आम समस्या हो गई है। हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जिन्हें RBC भी कहा जाता है। यही सेल्स शरीर में मौजूद सभी टिश्यू या ऊतकों का ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करती हैं। जब शरीर में RBC की मात्रा कम होने लगती है तो शरीर में ऑक्सीजन भी घटने लगती है और नया खून बनना बाधित हो जाता है, और इसी समस्या को खून की कमी या फिर एनीमिया या रक्ताल्पता भी कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है, एनीमिया कब होता है? सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि एनीमिया कब होता है। विशेषज्ञों के अनुसार जब शरीर के रक्त में लाल रक्त कणों या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर उनके निर्माण की दर से अधिक हो जाती है, तब एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में इसके अधिक मामले देखे गए हैं। अगर गर्भावस्था के दौरान एनीमिया हो जाए तो प्रसव के दौरान मौत का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लोग इसे बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन यह कभी कभी गंभीर भी हो जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है, खून की कमी होने से कौन सी बीमारी हो सकती है? शरीर में खून की कमी होने पर कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत होना, थकान, हाथ पैर ठंडे होना, त्वचा में पीलापन, कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, दिल की अनियमित धड़कन, हड्डी, छाती, जोड़ों और पेट में दर्द होना हो सकता है। और अगला क्वेश्चन है, खून की कमी होने पर कौन से फल खाने चाहिए? खून की कमी पूरा करने के लिए आप कई तरह के फल खा सकते हैं। शरीर में खून की कमी होने पर सेब बेहद लाभकारी होता है। अगर आप रोजाना एक सेब खाएं, तो यह शरीर के कई समस्याओं को दूर करने के साथ साथ खून की कमी को भी दूर करता है। चुकंदर खून की कमी को पूरा करने में मदद करता है। आप इसका जूस पी सकते हैं। इसके अलावा आप इसे सलाद में भी खा सकते हैं। इसके जूस को अगर आप मीठा बनाना चाहते हैं तो इसमें गुड़ डालकर पिएं, तो यह और भी फायदेमंद हो जाएगा। अनार में भी भरपूर मात्रा में आयरन होता है, जो खून को बढ़ाने के लिए एक ज़रूरी तत्व है। इसे खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है। इसके लिए आप नींबू, संतरा, अंगूर आदि का भी सेवन कर सकते हैं। ये चीज़ें विटामिन सी का मुख्य स्रोत हैं। विटामिन सी आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और इससे शरीर में खून का स्तर संतुलित रहता है। अंगूर में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है और खट्टे फल सेहत के लिए लाभकारी होते हैं। ये हीमोग्लोबिन संबंधी बीमारियों को ठीक करने में सहायक होते हैं। और पका हुआ अमरूद खाने से भी शरीर में हीमोग्लोबिन या खून की कमी नहीं होती है। और पांचवा क्वेश्चन है, क्या गुड़ खाने से खून की कमी दूर होती है? गुड़ में आयरन के साथ ही वह सभी जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिसके हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। गुड़ में विटामिन ए, विटामिन बी, ग्लूकोज, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम आदि तत्व पाए जाते हैं। साथ ही इसमें कई तरह के विटामिन और मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, जो आपके शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन करने में मदद भी करते हैं। इससे आपके शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार भी होता है।
आयुर्वेद में भी गुड़ को शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाने और पहले से मौजूद खून को शुद्ध करने का अचूक उपाय बताया गया है। और अगला क्वेश्चन है, खून की कमी होने पर कौन सी सब्जी खानी चाहिए? सोयाबीन का सेवन शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही अन्य बीन्स का भी सेवन करें, क्योंकि ये आयरन से भरपूर होते हैं। इसके लिए राजमा, सफ़ेद बीन्स, छोले, मटर आदि को आहार में शामिल करें। इसे अक्सर बेहतरीन हेल्दी खाने का दर्जा दिया जाता है। यह खास तौर पर बीटा कैरोटीन, फाइबर, विटामिन के, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स देती है। पालक को हीमोग्लोबिन बढ़ाने का बेहतरीन सोर्स माना जाता है। इसमें विटामिन B6, ए, सी, आयरन, कैल्शियम और फाइबर आदि भरपूर मात्रा में होता है। अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं तो शरीर में तेजी से खून की कमी को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि हरा साग आयरन और विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक हैं। एनीमिया से जूझ रहे लोगों के लिए गोभी की पत्तियां एक सुपर फूड है। गोभी की पत्तियों में प्रचुर मात्रा में आयरन और कैल्शियम पाया जाता है। आप इसे सलाद में, सब्जी में या फिर इसका जूस निकाल कर पी सकते हैं। और सातवां क्वेश्चन है, खून की कमी होने पर कौन सा जूस पीना चाहिए? चुकंदर में भरपूर मात्रा में आयरन और फोलिक एसिड होता है, जो कि खून में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने में मदद करता है। चुकंदर का जूस पीने से हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने में मदद मिलती है। ऑरेंज जूस स्वीट फ्रूट्स होता है, इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है और यह शरीर में आयरन की कमी भी नहीं होने देता है। नींबू का जूस पीने से हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने में मदद मिलती है, क्योंकि नींबू में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है, जो शरीर में इसकी कमी नहीं होने देता है। विटामिन सी की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कम होने लगता है। पालक और पुदीने का जूस भी शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसे आमतौर पर सुबह जल्दी पिया जाता है। और मिक्स वेज सूप कई प्रकार की सब्जियों का एक मिश्रण है। इसमें विटामिन, मिनरल्स, आयरन, विटामिन सी और फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं और पीने में यह टेस्टी भी लगता है। और अगला क्वेश्चन है, खून की कमी होने पर कौन से ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए? काजू शरीर में खून की कमी को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और बादाम में कैल्शियम, मैग्नीशियम भी होता है और कैलोरी की मात्रा भी कम होती है। इसे खाने से हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा किया जा सकता है। पिस्ते में 30 अलग अलग तरह के विटामिन पाए जाते हैं। इसमें आयरन की मात्रा भी भरपूर होता है, जिससे शरीर में खून की कमी दूर होती है। खून बढ़ाने के लिए जरूरी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी किशमिश पूरा करती है। आयरन से भरपूर सूखी काली किशमिश का सेवन करके आप अपना हीमोग्लोबिन या खून की कमी दूर कर सकते हैं। अखरोट में भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन आपके शरीर में हीमोग्लोबिन या रक्त को पूरा कर सकते हैं। और नौवा क्वेश्चन है, कौन सी दाल खून की कमी को दूर करती है? सभी तरह की दालों में चने की दाल सबसे गुणों वाली होती है। चने की दाल शरीर में आयरन की कमी को पूरा करती है और हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करती है। इसमें मौजूद फास्फोरस और आयरन नई रक्त कोशिकाओं को बनाने में सहायक होते हैं और हीमोग्लोबिन के स्तर को भी बढ़ाते हैं, जिससे एनीमिया होने की संभावना कम हो जाती है। रोजाना दाल खाने से आयरन की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है। अनाज और दालें खाने से हीमोग्लोबिन भी तेजी से बढ़ने लगता है। खून की कमी होने पर रेड मीट क्यों खाते हैं? रेड मीट खाने से खून की कमी को दूर किया जा सकता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम भी पाया जाता है, जिससे हड्डियों को मजबूती मिलती है। रेड मीट में विटामिन ए और डी, जिंक, पोटेशियम और आयरन काफ़ी मात्रा में होता है, इसलिए खून की कमी को दूर करने के लिए लोग रेड मीट खाते हैं। और आखिरी क्वेश्चन है, क्या तिल खाने से खून की कमी दूर होती है? तिल से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है। तिल खाने से एनीमिया की बीमारी ठीक होती है। काले तिल को गुनगुने पानी में 2 घंटे तक भिगो दें, फिर इसे पीसकर इसका पेस्ट बना लें और इसमें 1 चम्मच शहद डालकर अच्छे से मिला लें। इस पेस्ट को 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाएं और रोजाना सेवन करने से खून की कमी दूर होती है। तो ये थे एनीमिया से संबंधित 11 क्वेश्चन और उनके आंसर। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे और लोग भी इसका लाभ ले सकें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।